तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली सभी फिल्मों के बारे में, क्योंकि ऑडियंस के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी में कितनी फिल्में बनी, कितनी फ्लॉप गई, कितनी हिट गई हैं। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी अनिल कपूर को अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हुए बात करते कि सबसे पहले ये जोड़ी किस फिल्म में नजर आई थी। फिल्म का नाम था जावाज। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनिल कपूर, श्रीदेवी, फिरोज खान और डिंपल कवाड़िया भी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 1,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद ये जोड़ी नजर आई थी साल 1986 में फिल्म कर्मा में। इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ जैकी श्रॉफ भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 7 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद ये जोड़ी नजर आई थी साल 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ अंग्रेज पुरी भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 5 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद साल 1988 में ये जोड़ी नजर आई थी हमें राम अवतार में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ सनी देओल भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद एक बार फिर ये जोड़ी नजर आई थी साल 1988 में फिल्म सोने पे सुहागा में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ जितेंद्र और धर्मेंद्र भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6.5 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद साल 1989 में हमें ये जोड़ी नजर आई थी जोशीले मूवी में। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सन्नी देओल, मीनाक्षी, अनिल कपूर और श्रीदेवी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। तकरीबन 1.90 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद साल 1991 में ये जोड़ी नजर आई थी हमें फिल्म लम्हे में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 2 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1.90 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से ये जोड़ी नजर आई थी हमें साल 1992 में फिल्म हीरे रांझे में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। इस मूवी का वजन
तकरीबन 2,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 2,10,00,000 रुपए था और ये मूवी हाई बजट होने की बिना पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद ये जोड़ी नजर आई थी हमें साल 1993 में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ इसमें जैकी श्रॉफ भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,85,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से ये जोड़ी नजर आई थी हमें साल 1993 में फिल्म गुरुदेव में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ इसमें ऋषि कपूर भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। और दोस्तों इस मूवी का वजन तकरीबन 2,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,60,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4,50,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद ये जोड़ी नजर आई थी हमें साल 1994 में फिल्म लाडला में। इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ अनुपम खेर भी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 3,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 7,15,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद ये जोड़ी फिर नजर आई थी हमें साल 1994 में मिस्टर बेचारा मूवी में। इसमें अनिल कपूर श्रीदेवी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 4 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद ये जोड़ी नजर आई थी हमें साल 1997 में कायदे में आखिरी बार फिल्म जुदाई में। इसमें अनिल कपूर श्रीदेवी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 14 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 28 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। और दोस्तों ये मूवी साल 1997 की बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें अनिल कपूर श्रीदेवी का जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था। और दोस्तों ये अनिल कपूर और श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी जिसमें हमें लास्ट फेरा ये जोड़ी नजर आई थी और ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी साल 1997 की। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार कमाई की थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों ये फिल्में हैं अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली फिल्में, यानी कि अनिल कपूर और श्रीदेवी ने मिलकर लगभग 15 फिल्मों में काम किया, यानी कि ये दोनों सुपरस्टार एक साथ 15 फिल्मों में नजर आए हैं, जिनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, कुछ फ्लॉप रही थी, कुछ एवरेज रही थी, कुछ सुपर हिट भी रही थी। तो ये जोड़ी काफ़ी सफल रही थी और ये जोड़ी काफ़ी लाजवाब जोड़ी थी। और दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि इन दोनों सुपरस्टारों ने मिलकर 15 फिल्मों में काम किया था। तो दोस्तों आपको जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिट और फ्लॉप आपके सामने रख दिए हैं, तो दोस्तों आपकी इन सभी मूवियों में से कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारे वीडियो को
कि जिले कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों अगर आप भी किसी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या बजट जानना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं।